पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर का केस, सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत कुछ देर के बाद, मुख्तसर हुक्मनामा सुनाए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ कर दिया, मौकिफ अपनाया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के बाद समाअत जारी नहीं रखी जा सकती। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब पहले ही इंतखाबात केस का फैसला दे चुके हैं। पीटीआई की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। जजेस से इजहार यकजहती, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की बड़ी तादाद मौजूद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात, गैर मुतालिक अफराद को रेड जोन जाने से रोक दिया गया। क्लब रोड, कश्मीर चौक, श्रीनगर हाईवे और मारगला रोड पर ट्रैफिक जैम। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी की रेड जोन खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जेर समात केस की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वजीर आजम अरकान पार्लियामेंट से राय लेंगे। अता तारर कहते हैं, हमें सुना नहीं गया, 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस खारिज इम्कान नहीं। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका, बिजली 3 माह के लिए 6 रुपए फी यूनिट महंगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी, सार्फीन पर 20 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूलियां अप्रैल, मई और जून के बिलों में की जाएंगी। डॉक्टर बीबल के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, गिरफ्तार असिस्टेंट के साबिक मंगेतर को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक जुबैर डॉक्टर बीबल को कुरतुलैन से अपनी मंगनी टूटने का जिम्मेदार समझता था। और लाहौर, कसूर, ननकाना और साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात, गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मानसहरा और 4 सदर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी बादलों की घन गरज। जोब में दानासर के मकाम पर मरकजी सड़क 12 घंटे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई।